मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में भारी अनियमितता, ग्रामीणों ने डीसी तथा डीडीसी को दिया आवेदन। मझियाव मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत नगर पंचायत क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र तक, रपुरा मेन रोड से धनगो ओबरा सिवान तक बनाई गई सड़क में भारी अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने कुछ दिन पूर्व जिला उपायुक्त एवं जिला विकास आयुक्त गढ़वा को लिखित शिकायत दिया है। मिली जानकारी के अनुसार सड़क 2 किलोमीटर 350 मीटर 1,77,59,600 रुपये की लागत से बनाई जा रही है, जिस पर कुछ लोग राजनीति रोटी सेक रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, पूरी उपलब्धि खुद ले रहे थे, लेकिन इस तरह के घटिया निर्माण पर सभी मौन हैं और गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। लेकिन गलत होता देख और सड़क में भारी अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने आवाज़ उठाया। तत्पश्चात आशीष कुमार पांडे, ललित कुमार पांडे, गिरजा शंकर पांडे, गणेश चौहान, सनोज चौहान, अशोक पांडे, देवेंद्र पांडे, उदय पांडे, बसंत कुमार पांडे, सुमन सिंह, हीरामणि सिंह, रामजी चौहान, वीरेंद्र चंद्रवंशी, संजीत कुमार गुप्ता, उपेंद्र ठाकुर, संजय कुमार पांडे, जयनाथ मेहता, उमेश मेहता एवं शंकर मेहता सहित 5 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने हस्ताक्षर युक्त आवेदन दिया है, जिसमें दर्शाया गया है कि उक्त पथ निर्माण में भारी अनियमितता बरती गई है। कहा गया है कि नवनिर्मित पीसीसी पथ जो बनाया गया है उसमें अभी से ही दरार पड़ चुका है। पीसीसी पथ का निर्माण कार्य जिसकी ऊंचाई मापदंड से कम है, पीसीसी पथ में अभी से ही नीचे का मिट्टी दिखने लगा है, जो ठीक से बारिश होने पर उखड़ कर बर्बाद हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सड़क बनाए जाने के क्रम में लगभग 0.5 दर्जन आहार पड़ते हैं, लेकिन वहाँ होम पाइप नहीं दिया गया, जिससे किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। साथ ही पीच रोड में कहीं भी फ्लैंक भरा नहीं गया है, जिससे रोड कभी भी फट सकती है। वहीं दिन मंगलवार को विशेष जानकारी देते हुए ग्रामीण वीरेंद्र कुमार पांडे, अनिल कुमार, नितेश कुमार पांडे, ललित पांडे, रामनरेश चौहान, प्रेम पांडे सहित दर्जनों उपस्थित ग्रामीणों ने सड़क को दिखाते हुए ग्रामीणों ने कहा कि लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से बन रही सड़क में न फ्लैंक भरा गया है, न कलभट, न ही उचित मापदंड है, जिससे यह साफ दिख रहा है कि सड़क में भारी अनियमितता की गई है। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क बनाने के दौरान संवेदक को कहा गया तो संवेदक उल्टा ग्रामीणों को डराने धमकाने का काम कर रहे थे, जिसको लेकर उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त को आवेदन भी दिया गया है। ग्रामीणों ने कहा कि सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ आसपास के 4 गांवों के किसान को हो रहा है, जहाँ पर पानी निकासी जरूरी है, वहाँ पर होम पाइप तक नहीं दिया गया है। सभी ने मांग किया है कि संवेदक पर कार्रवाई करते हुए सड़क में की गई भारी अनियमितता में विभाग के द्वारा सुधार कार्रवाई की जाए। मझियाव से अमित वर्मा की रिपोर्ट।